मान्यवर एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह करकर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया, और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूँ। सब ऐसा है कभी कितने दूजे मर गए बड़े बड़े जरनैल जिन्होंने सिर से छतर झूलते, इस करके धर्म की सदा ही दे दे कार है खालसा जी। जुल्म करने वाले ना रहे या ना रहेंगे। मानयोग प्रधान साहब बैठे है जेडे अज सानू पार्लीमेंट विच राज सत्ता दे हंकार विच वंगार दे है ना, कि असी जी चाहिए तो छड़िए, ना चाहिए तो बंदी सिंह नू ना छड़िए। मैं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की इस धरती तो सतगुरां दे सन्मान विच सतगुरां ते मान रख के, चमकौर साहब दे शहीदां ते मान रख के, ये मान विच गल कह रहा जे रंगा नहीं रहा रहना तुसीं भी देखदे। ਤੁਹਾਡੀ ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬ ਰੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮੋ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ, ਆਪਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤਿਆਗੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਉਡੀਕਦੀ। ਪਰ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ।